असंभव, असंभव नाम का शब्द ही नहीं होता इस दुनिया में, बस कुछ रुकावटें आती हैं। ये बात कुछ चंद लाइनों में मैं समअप करना चाहूंगा। अरे रुकावटें तो जिंदा लोगों की पहचान है, वरना मुर्दे के लिए तो हर कोई रास्ता छोड़कर खड़ा होता है। इस असंभव शब्द को मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको वेरीफाई कराऊंगा। लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए और उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की कि कोई भी इंसान पंछी की तरह नहीं उड़ सकता, सिर्फ पंछी ही आकाश में उड़ सकते हैं। लेकिन ये बात दो भाइयों को समझ में नहीं आई। राइट ब्रदर्स ने साइकिल के पार्ट से आदमी को उड़ने के लिए पंख दिए। राइट ब्रदर्स ने कई सालों की कठिन मेहनत के बाद एक हवाई जहाज तैयार कर दिया और उन्होंने लॉर्ड केल्विन को गलत साबित किया। आज हम सब हवाई जहाज की यात्रा ऐसे करते हैं जैसे घर के एक कमरे से दूसरे कमरे को जाना हो। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई नेवर वॉक अगेन, माई डॉक्टर टोल्ड मी आई नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा मैं कभी चल नहीं सकती, लेकिन मेरी मां ने कहा कि तू चल नहीं, तू दौड़ सकती है। विल्मा रुडॉल्फ बचपन से ही पोलियो से ग्रस्त थी और पैरालाइज थी। पैरालाइज होने के बावजूद भी उन्हें अपनी मां पे इतना भरोसा था और वो इतनी जिद्दी थी कि वो 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के लाई। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल! क्या अखबार, क्या टीवी, क्या मैगजीन, हर एक के अंदर उनका कॉलम, उनके इंटरव्यू, दुनिया के अंदर आज नाम है उनका। फिर असंभव कुछ नहीं होता। एक और एग्जांपल आप सब लोग जानते होंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो कहानी मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो आपको भी पता है। जब एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने स्कूल से घर के लिए वापस आ रहे थे तो उनके प्रिंसिपल ने उनकी मां के नाम का एक लेटर दिया। वो घर आए, उन्होंने वो लेटर अपनी मां को दिया। मां ने वो लेटर पढ़ना शुरू किया। उस खत में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, एक नायाब हीरा है, हमारा स्कूल, हमारे टीचर्स उस लायक नहीं है, कृपया आप अपने बच्चे को घर में ही तालीम दें। मां का विश्वास देखिए आप। कुछ समय बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए और वो अपने घर को शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने एक अपने वार्डरोब में एक लेटर देखा। वो वही लेटर था जो बहुत सालों पहले उनके प्रिंसिपल ने उनकी मां के लिए दिया था। उन्होंने बड़े उत्सुकता के साथ उस लेटर को खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया वो फूट फूट कर रोने लगे। उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा एक मंदबुद्धि है, आप इसे स्कूल में ना भेजें, आपके बच्चे का हम नाम काट रहे हैं। उनको बड़ा दुख हुआ कि उनकी मां ने उनको घर में सारी तालीम दी, उनको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं हुई और उनकी उपलब्धियां आप सब जानते हैं। डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। उन्होंने 1955 में एक स्टेटमेंट पास की कि इंसान कभी भी पृथ्वी के सौरमंडल से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन एक पागल ने उनकी बात नहीं सुनी और 1969 में चंद्रयान का पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग झंडा गाड़ कर आया वहां झंडा। और आज चंद्रमा पे जाना इतना आसान है कि जैसा आप और हम छुट्टियां मनाने के लिए दुबई और बैंकॉक जाते हैं। असंभव कुछ नहीं है, जिद्दी बनोगे तभी कुछ होगा। अगर आपको कोई बोलता है कि यह असंभव है तो उसकी कान के नीचे खींच के तमाचा दें। नहीं नहीं, मैं आपको झगड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा, उसको अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाएं और उसके कान के नीचे वही तगड़ा तमाचा होगा कि हाँ असंभव कुछ नहीं। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अरे शुक्रगुजार हूं मैं उन लोगों का जिन्होंने मुसीबतों में मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था
कि इन मुसीबतों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। जल्दी मिलते हैं एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय।